नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज़ में। कटनी जिले के बहोरीबंद विधानसभा ग्राम बाकल में किसान युवा नेता हार्दिक पटेल ने भरी हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी व शिवराज सिंह चौहान को सुनाई खरी खोटी। शिवराज सरकार को बताया किसान की विरोधी सरकार। वह साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी का सीना छलनी करने वाली व किसानों को गोली मारने वाली सरकार खूनी सरकार है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज़ के लिए कटनी से संजय खरे के साथ। छोटा मोटा व्यवहार करके भी जनसंख्या में शामिल हुए मेरे किसान भाइयों को मैं वंदन करता हूँ। भैया गुजरात में भी किसानों की हालत बदतर है, मतलब मध्य प्रदेश में आप आए हो कि गुजरात के किसानों का ऐसे में क्या होगा? देखो पूरे देश के किसानों की हालत बहुत खराब है, गुजरात की बात करें अगर हम सिर्फ गुजरात को देखेंगे तो क्या हिंदुस्तान के किसानों को भूल जाएंगे? हम सब किसानों को एकजुट करना पड़ेगा। जब किसान एकजुट होगा, जब बड़ी ताकत बनेगी, तभी तो सरकार के सामने उनकी मांगे रख पाएंगे। हमारी मांग क्या है किसानों की? 2004 के अंदर जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट बन गई है, तो आज तक उसको लागू क्यों नहीं किया गया? ये भी मांग पूरे प्रदेश के किसानों की, पूरे देश के किसानों की। सिर्फ गुजरात के साथ जुड़ोगे तो देश को अभी भी बांटने का काम किसानों में करते हैं। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस की सत्ता आने में व्यवस्था परिवर्तन की मुद्दा आपको आप सोचते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी? हम भी तो रिटायर्ड हो गए थे तो सचिन नहीं मिला था। अरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी स्वराज आने वाले हैं।